तो कैसे आप लोग लोग तब तो हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस फिर से लेके आ गया हूँ एक ब्रांड न्यू वीडियो। तो जैसा कि मैंने कल कहा था आप सभी को कि रिसाइकलिंग के ऊपर वीडियो बनाओ या नहीं बनाओ, तो आप सभी ने बहुत ही लोगों ने ये कहा हाँ भाई बना दो। तो आज रिसाइकलिंग के ऊपर वीडियो मैं बनाऊंगा। एंड गाइस बहुत ही लोगों ने ये भी कहा था कि रिफिल टिकट में भी वीडियो बनाना, तो रिफिल टिकट में वीडियो मैं ट्यूजडे ले आऊँगा। ये ट्यूजडे में रिफिल टिकट का वीडियो ले आऊँगा, क्योंकि भाई गैचा पॉन्ड में मार्स शैडो आया है, तो भाई वो बहुत ही ज़्यादा ऑसम पोकेमॉन है। रुको मैं आप सभी को दिखाता हूँ, वो शायद फाइटिंग, हाँ वो फाइटिंग टाइप है एंड है, आपको दिखा देता हूँ। भाई ये बहुत ही अच्छा पोकेमॉन है, मतलब आप इसका स्पीड वगैरह देख सकते हो। स्पीड तो थोड़ा कम ही है, लेकिन अगर ये 3 स्टार में हो जाए, सॉरी 2 स्टार हो जाए, तो इसका एबिलिटी वगैरह स्पीड भी थोड़ा बढ़ जाता है, अटैक वगैरह बढ़ जाता है। एंड जो हाइपर स्पेस फ्यूरी काम करता है होपा का, वही इसका ये वाला एक्सक्लूसिव मूव उसका वही काम करता है। मतलब आगे वाला के पास अगर स्पेशल अटैक स्पीड वगैरह बढ़ा हुआ है तो वो उससे ले लेता है, तो ये बहुत ही ज़्यादा सही है। एंड भाई इसका एबिलिटी भी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, जिसके कारण ये क्या भाई मैंने भी नहीं पता, देखने दो। इसके भाई अगर इसका हेल्थ अगर 60% से कम है तो इसका पावर इंक्रीज हो जाता है 50%, मतलब समझ जाते कितना 50% बहुत ही ज़्यादा होता है। एंड गाइज ये घोस्ट टाइप हो के भी फाइटिंग टाइप को नॉर्मल अटैक कर सकता है, तो भाई ये बहुत ही ज़्यादा ऑसम है। एंड बस इतना ही है, और चलिए अब जाके हम लोग फटाफट रिसाइकलिंग के ऊपर वीडियो बना देते हैं। पर रिसाइकलिंग से पहले भी एक चीज़ मेरे को करना था, मेरे को ओर रिंस लेना था, तो ओर रिंस के लिए मैं अभी वीडियो तो अलग से बना नहीं सकता, तो इसी वीडियो में मैं इंक्लूड कर देता हूँ। तो सबसे पहले मुझे कॉफ़ी से विश वाउचर लेना पड़ेगा, तो भाई आप लोग भी कॉफ़ी से विश वाउचर ही लो अभी, क्योंकि विश वाउचर आप सभी को पता है कितना काम देता है। तो यहाँ से मैं 5 ले लेता हूँ एंड मेरे पास 83 हो गया, जिसके कारण मैं एक और रुइंस ले सकता हूँ। तो और रुइंस तो मैं अपने अल्ट्रा को देने वाला हूँ, तो अल्ट्रा के पास जाकर देखते हैं कौन कौन सा रुइंस है उसके पास। तो गाइस यहाँ से मुझे ऑप्शन है भाई, मैं या फिर 6 में लूँ, या फिर 2 में लूँ, या फिर 3 में लूँ। तो मैं ज़्यादा रिस्क नहीं लेने वाला, मैं 3 में लेने वाला हूँ, तो 3 में ज़्यादा रिस्क नहीं होता है, उसके बाद देखा जाएगा। भाई 2 में अगर हम लोग ले लिए और भाई एचपी अटैक अगर बढ़ रहा है, तो भाई बहुत ही ज़्यादा, मतलब क्या ही बोलूँ, किस्मत ख़राब हो जाएगा। इसीलिए किस्मत अभी ठीक रखते हैं एंड 3 में लेते हैं, सेफ खेलते हैं। चलिए फटाफट जाके रुइंस लेते हैं भाई, फटाफट अब रुइंस ले सकते हैं भाई। मैंने पिछले वाले आई थिंक जब मैंने डिस्ट्रॉइंग के ऊपर वीडियो बनाया था, जब मैं डिस्ट्रॉइंग लिया था, सब लोग ये कह रहे थे भाई आप टिकट से ले लो वाउचर्स लेके उसका इंटीमेसी एक्सचेंज कर दो, बट मैंने वाउचर लेके इंटीमेसी एक्सचेंज नहीं करा, वो भाई बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हो गया, क्योंकि मैं यहाँ पर ओ रुइंस ले पा रहा हूँ भाई। ओ रुइंस बहुत ही ज़्यादा ऑसम है, ओ पी एन वगैरह बहुत ही ज़्यादा ऑसम है, तो इसीलिए मुझे ओ रुइंस चाहिए था अपने अल्ट्रा के लिए। अल्ट्रा को अगर दो ओ रुइंस दो तो भाई वो तो बिस्टी बन जाता लगभग। तो हम लोग ये नंबर 1 है, नंबर 2 है, तो हम लोग नंबर 3 में ओ देंगे, तो ये नंबर 3 ही है ना गाइस, देख लेते हैं एक बार। नंबर 3 है तो एक रुइंस ले लेते हैं, उसके बाद मेरे पास वाउचर्स लगभग ना के बराबर बचेंगे, तो भाई 0 वाउचर्स है मेरे पास अब। तो चलिए फटाफट रुइंस को खोल लेते हैं, मैंने भी अभी तक ये नहीं खोला कैसा रहता है। तो भाई ऐसे हम लोग चूज़ कर सकते हैं एंड ओ पी एम एन, तो एम का मुझे उतना अच्छा नहीं लगता, एन बहुत ही ज़्यादा ऑसम है, पैरी इलेक्ट्रिक और शायद बक टाइप के कारण, बक टाइप के लिए पैरी इलेक्ट्रिक तो कन्फर्म हो, बक टाइप का थोड़ा सा मतलब याद नहीं है मेरे को। एंड पी तो भाई पी क्या करता, अगर आपको भाई पी बहुत ही ज़्यादा ऑसम है डिफेंसिव के लिए, बस ज़्यादा मैं नहीं समझाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। एंड ओ भी डिफेंसिव के लिए बहुत ही ज़्यादा ऑसम है, तो ओ मैंने ले लिया फटाफट। चलिए फटाफट खोल लेते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। तो सीनियर ओ मिला है एंड डिफेंसिव मिला है, कोई बात नहीं, डिफेंसिव भी सही है। तो चलिए फटाफट रिसाइकलिंग के ऊपर वीडियो में बना लेता हूँ अब। तो रिसाइकलिंग के ऊपर, रिसाइकलिंग कैसे काम करता है सबसे पहले मैं बताता हूँ। अगर आपके पास 2 ग्रॉडन है या फिर 2 रेक्वाजा, आपके पास 5 ग्रॉडन ही क्यों ना हो, ये रिसाइकलिंग काम नहीं करेगा।
जब तक आप यहाँ से आप लोग पोकेमोन नहीं खरीदते हो, अगर यहाँ से दो लुगिया खरीद दिए तो ये काम करेगा। जैसे कि मेरे पास एक लुगिया है एंड रुको मैं दिखाता हूँ। हाँ, लुगिया के ऊपर तो मैं नहीं करूँगा क्योंकि मेरे पास दो पोकेमोन कोई सा नहीं है, तो मैं डिटो के ऊपर कर दूंगा। तो मैं पहले दिखा देता हूँ मेरे पास कितने सारे डिटो है, तो दिखा देता हूँ मेरे पास डिटो कितने सारे हैं। तो नॉर्मल टाइप के डिटो, एक डिटो यहाँ पर आप देख सकते हो, दो तीन चार डिटो है मेरे पास। चार डिटो में देखते हैं अगर हम लोग चार डिटो में रिसाइकलिंग कर पाते हैं या नहीं। तो भाई रिसाइकलिंग कैसे काम करता है वो मैं सभी आप सभी को बता दूंगा। तो सबसे पहले पोकेमोन शॉप में जाते हैं एंड रिसाइकलिंग के ऊपर देख सकते हो मेरे पास ये डिटो डिटो वगैरह है, पाँच डिटो वगैरह है। तो ये सब मैं रिसाइकल कर सकता हूँ। तो गाइज़ ये सब मैं क्यों रिसाइकल कर पा रहा हूँ, क्योंकि गाइज इसका इसे मैं गैचा पॉन से खरीदा हूँ। देखो एक डिटो का कितना प्राइस है, सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ। एक डिटो का है 200 एक डिटो का प्राइस। लेकिन अगर मैं इसे डिसमेंटल करता हूँ या रिसाइकल करता हूँ तो ये प्राइस घटा देता है, मतलब देख सकते हो ओनली 20 मिल रहा है, तो कितना ज़्यादा घट जाता है। तो 20-40 मिला, मैं हाई लेवल डिटो का भी मतलब हाई इंडिविजुअल डिटो का भी 20 ही मिलता है। तो ये सब डिटो गाइस मैंने पकड़ा है, कहाँ से पकड़ा है, तो वो मैंने पकड़ा है गैचापॉन शॉप से। अगर गैचापॉन शॉप से अगर आप कोई डिटो पकड़ते हो या फिर दो रिक्वाजा लेते हो, मतलब 1500 का दो रिक्वाजा यहाँ से अगर ले लेते हो, तो आप इसे एक्सचेंज कर सकते हो, रिसाइकल कर सकते हो। अगर आपको एक रिक्वाजा आप यहाँ से लिए हो, दूसरा रिक्वाजा आप कहीं और से मिल गया यहाँ से, मतलब फ्लूट मिल गया एंड फ्लूट से रिक्वाजा आपको मिल गया, तो वो रिक्वाजा मतलब रिसाइकल नहीं होगा। आपको रिसाइकल करने के लिए दो रिक्वाजा या फिर दो ग्रॉडन जो भी है, पोकेमोन सेलीबी या फिर रेजिजा या फिर कुछ भी, आपको यहीं से रिसाइकल करना पड़ेगा। यहाँ से अगर खरीदे हो यहाँ से, तो फिर वो रिसाइकल होगा, वर्टा नहीं होगा। तो मैंने डिटो खरीदा था, तो फिर से एक डिटो खरीदता हूँ जैसा कौन है, तो जैसे कैसा इंडिविजुअल वैल्यू मिलता है, तो बढ़िया ही इंडिविजुअल वैल्यू मिला है। लेकिन अगर मैं यहाँ से डिटो नहीं लेकर किसी जगह से डिटो लेता, कॉफी डिटो लेता, किसी और जगह से डिटो लेता, तो वो रिसाइकल नहीं होता। जैसे कि अभी देख सकते हो मैं रिसाइकल कर पा रहा हूँ, लेकिन अगर मैं दूसरे जगह से डिटो लेता तो वो 100% रिसाइकल नहीं होता। तो गाइस देखो यहाँ से मैंने डिटो ले लिया एंड इसे मैं फटाफट रिसाइकल कर दूँगा, वो बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ से नहीं लेते हो पोकेमोन वगैरह, दूसरी जगह से लेते हो, तो वो रिसाइकल नहीं होगा। तो बस रिसाइकलिंग ऐसे ही काम करता है। तो बस इतना ही था गाइस रिसाइकल के ऊपर, मैं ज़्यादा बड़ा वीडियो बनाऊँगा ही नहीं। मेरे पास दो पोकेमोन नहीं था कोई सा भी, फिर भी एक बार देख लेते हैं अगर मेरे पास दो रिक्वाजा वगैरह है तो। मेरे को खुद ही नहीं पता गाइस, ग्रॉडन को सबसे पहले देख लेते हैं। अरे ग्राउंड टाइप एक ग्रॉडन तो ये रहा एंड मेरे पास एक ही ग्रॉडन है शायद से, मेरे पास ड्रैगनाइट, तो ड्रैगनाइट देख लेते हैं गाइस, एक ही ड्रैगनाइट है। तो बस गाइस वैसे ही काम करता है, मैं ज़्यादा आपको भी तो बताऊंगा नहीं, बस वैसे ही काम करता है। आई डोंट नो मेरे पास दो पोकेमोन नहीं है, वरना मैं आपको देखो दिखा देता। मैं बस फ्लूट भी जाके चेक कर लेता हूँ शायद से वहाँ पर वो, देख लेता हूँ। ये देखो मेरे पास अब रिक्वाजा, मैं जल्दी से जाकर पकड़ लेता हूँ, उसके बाद मेरे पास दो रिक्वाजा हो जाएगा एंड उसके बाद मैं आप सभी को दिखा दूँगा। जो रिक्वाजा बोल रहा हूँ दो कायदे हो जाएगा एंड फटाफट हम इसे पकड़ लेते हैं। पकड़ने के लिए मैं ऐसे पकड़ता हूँ, आपको दिखाता हूँ, पहले से भी चेक कर लेते हैं एंड आगे कर लेते हैं। फाइनली हमारे पास दो हो जाएगा एंड उसके बाद मैं दिखाता हूँ यहाँ से पकड़ करके होगा या नहीं होगा। तो कंबाइन कर लेते हैं एंड कंबाइन फटाफट, एंड इसे पैटल कर लेते हैं एंड फटाफट इसे पकड़ लेते हैं। मैं तो रन अवे करने वाला था गाइस, ये हमारा कायग्रे आ गया है, तो फटाफट हम इसे पकड़ लेते हैं गाइस। इसे हम होल्ड बैक करेंगे। तो होल्ड बैक से क्या होता है, आपका मतलब जितना भी अटैक का पावर हो, आप एक अटैक मतलब
एक एचपी में आगे वाला मन बच जाता है, तो फटाफट में पकड़ लेता हूँ जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करने की कोशिश करता हूँ गाइस। ये मास्टर बॉल कर लेते हैं, मास्टर बॉल कितना जल्दी पकड़ा जाएगा। यस, एक ही बारे में पकड़ा गया, चलो सही है। तो देख सकते हो मैंने काइग्रे पकड़ लिया है। अब काइग्रे पकड़ने के बाद मैं देखना साइकिल इसे नहीं कर सकता, तो मेरे पास काइग्रे पहले से ही है, तो एक मेरे पास पहले से ही है, एक मैंने अभी पकड़ा है, तो इसे देखते हैं रिसाइकल देखना तो नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मैंने इसे यूज से पकड़ा या फिर किसी और जगह से मुझे मिला है या चप्पन शॉप से मैंने नहीं पकड़ा है, तो इसी कारण मैं इसे रिसाइकल नहीं कर पाऊँगा। देख सकते हो आप कहीं पर भी नहीं है टाइग्रे, यहाँ पर मिलेगा ही नहीं, इसे रिसाइकिल नहीं कर पाऊँगा। उसे मैं डिसमेंटल कर सकता हूँ लेकिन रिसाइकल नहीं कर सकता गाइस। तो ऐसे ही रिसाइकल काम करता है, अगर आपको रिसाइकल कुछ भी करना है तो पोकेमोन शॉप से दो पोकेमोन पकड़ो उसके बाद रिसाइकल करो। पर भाई अगर पकड़ोगे तो आपका गैचअपॉन मतलब क्या ही बोलूँ, बहुत ही कम गैचअपॉन आपको मिलेगा, तो वैसा दो पोकेमोन मत पकड़ना, थोड़ा सा मतलब केयरफुल रहना। एंड भाई बस इतना ही था, तो आज की वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं गाइस। होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो, एंड रिक्वेस्ट है कि वीडियो में फिर देख ले जाऊंगा। तो आज की वीडियो यहीं पर खत्म करते हो, कि लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।